नई गाड़ी लेने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं? ऑब्वियसली उसके साथ फोटोस वगैरह खिंचवाते हैं। तो मैंने भी अपने दोस्त को बुला लिया DSLR लेके और बोला कि भाई अच्छे खासे फोटो खींच मेरे नई गाड़ी के साथ भाई। और इस गाड़ी को लेके मैं काफी ज्यादा खुश था। इससे पहले मैं अपनी खुशी और जाहिर कर पाता, मेरे दोस्त लोग आ गए भाई अपनी फॉर्च्यूनर और थार लेके। और वो लोग तो पता है भाई हमेशा चौड़ में ही रहते हैं। आते बराबर ही मुझे आवाज दी, ओ भाई क्या कर रहा है, नई गाड़ी ले ली तूने? भाई इसने तो अभी तक पेड़े भी नहीं खिलाया, कितना मतलब ही हो गया है। भाई ये बात सुन के मैं तुरंत उनके पास गया और उनको बताया कि भाई देखो ये वाली गाड़ी ली है मैंने। और भाई उनको बोला पेड़े भी तुम लोगों को जल्दी मिल जाने वाले हैं। वो दोनों मेरी गाड़ी देख के असल में बहुत ज्यादा खुश हुए और बोले कि भाई चल भाई अब ऑफरोडिंग का टाइम आया है, ऑफरोडिंग करके आते हैं, मुझे एक बहुत बढ़िया ट्रैक मिला है। अब चलो भी यार बढ़िया रेस है। और यार वैसे तो मेरे को ऑफरोडिंग करने की थी, इसका टेस्ट मुझे एक अच्छा करवाना ही था, तो मैंने भी हाँ बोल दिया। और मैंने भी सोचा अपनी S11 क्लासिक के साथ ऑफरोडिंग कर दिया जाए। तो भाई हम सब लोग तैयार हो गए और निकल पड़े अपनी ऑफरोडिंग के लिए। अब हम गए ऑफरोडिंग करने के लिए एक फैक्ट्री साइट पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू था। और भाई साहब ये जगह हमारी ऑफरोडिंग के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट होने वाली थी। रास्ता यहाँ का ऑलरेडी काफी खराब था, जगह जगह कीचड़ और गड्ढे भरे हुए थे। तो मैंने सोच लिया था भाई आज अपनी गाड़ियों की अच्छी बैंड तो बजने वाली है। और 2 घंटे ड्राइव करने के बाद हम अपनी लोकेशन पे फाइनली पहुंच ही गए दोस्तों। और यहाँ पे एक दिक्कत आज अपनी ये हो रही थी कि हमारे जो एक भाई थे उनको चलाने में दिक्कत हो रही थी फॉर्च्यूनर, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की फॉर्च्यूनर लेके आ गए। और यहाँ पे पहुंच के पता चला कि हमारे 2 दोस्त यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। एक है हमारे कैंपर वाले भाई और एक थे हमारे टोयोटा हाइलक्स वाले भाई। जी हाँ दोस्तों ये वही इंसान है जिन्होंने 35 लाख रुपए का टोयोटा का पिकअप ट्रक खरीदा है। थोड़ी हाई हल्लो करने के बाद हमारे हाइलक्स वाले भाई बोलने लगे, देखो भाई आज अपन मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे अपन आज करेंगे अच्छे से भयंकर वाली ऑफ रोड रेस। हाँ जी बिल्कुल। वैसे ये बंदा भाई मुझे हमेशा पका देता है, तो मैंने अपने दोस्त से बोला भाई इसे क्यों ले आए, क्या जरूरत थी, काफी नहीं देगा ऑफ रोडिंग करने के लिए तीनों? भाई क्या करूँ, लाना पड़ता है, दोस्ती का सवाल है, अगर तू उसे भूल गया तो फिर तुझे भी भूल जाऊंगा। मुझे तो ये ठसन करने वाला लगता है। तो सब सुना है, ये देखो पूरा ट्रैक है, यहाँ पे गोल गोल अपने को एक लैप पूरा करने का है ऑफ रोडिंग में। फिर अपने को ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे जंप मारते हुए, ऐसे इधर से उधर से, ऐसे ऐसे फिर मुट्ठी चला के ऐसा थप्पड़ मार के ऐसा ऐसा। इसीलिए हम इसे लेके नहीं आते क्योंकि ये बहुत पका देता है, लेकिन क्या करे मजबूरी थी। भाई यार ये क्या बोल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और 10 मिनट तक इसकी बकबक सुनने के बाद फाइनली हम लोग ऑफ रोड रेस के लिए रेडी थे। गाड़ियां बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में हमने पार्क कर दी थी और किसी के मुंह पे घबराहट थी, किसी को बस जीतना था, किसी को अपनी गाड़ी समझ में नहीं आ रही थी, कोई अपना अलग ही दिमाग लगा रहा था और मैं सोच रहा था कि भाई मेरी गाड़ी पे कोई स्क्रैच ना आ जाए। और भाई घड़ी आ गई थी हमारी रेस की। तो भाई हम सब लोगों ने अपनी एक एक करके गाड़ियों को स्टार्ट कर दिया और भाई गाड़ी स्टार्ट होते से दोस्तों हमारी अल्टीमेट ऑफ रोड रेस शुरू हो गई। और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, रेस चालू होते से भसड़ शुरू हो गई। जो हमारे हाइलक्स वाले भाई थे मुझे अच्छी तरीके से ठोके जा रहे थे भाई, मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा था, लिटरली मेरा रोड ब्लॉक कर रहे थे और मुझे आगे बढ़ने दिया ही नहीं जा रहा था। भाई मेरे पीछे थार वाले भाई भी थे और भाई ये कुछ भी कर सकते थे जीतने के लिए। किसी तरह बाजी मारते हुए कैंपर वाले भाई थोड़े से आगे निकल गए थे और भाई मैंने सोच लिया कि मैं थोड़ा अपना रास्ता यहां से चेंज कर लेता हूं। तो मैं थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ हो गया और मेरे पीछे थार वाले भाई भी आ गए और ट्रैक में तो लिटरली हो हल्ला मचा हुआ था। मतलब थोड़ी ही देर के बाद मैं देखता हूं कि यहां पे तो जंप्स चालू हो गए और हमारे फॉर्च्यूनर वाले भाई की फॉर्च्यूनर ही बंद हो गई, इतनी जोर से जंप हो गई। लेकिन फिर किसी तरह उन्होंने अपनी गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया और रेस में वापस आ गए। ऑलरेडी यहां पर कीचड़ की वजह से रास्ता खराब था और हमारे थार वाले भाई ओवरटेक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। कैंपर और हाइलक्स की तो अलग ही दुश्मनी चालू थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद हाइलक्स ने फाइनली लीड ले ली थी रेस की। उसके पीछे कैंपर, उसके पीछे मैं और फिर थार और सबसे आखिरी में फॉर्च्यूनर थी। भाई अब बारी थी सुपर जंप की, जिसको सबसे पहले हाइलक्स ने अच्छे से क्रॉस कर लिया, उसके बाद कैंपर ने, और जब मेरी जंप की बारी आई तो मैंने थोड़ा स्टाइल से स्लो मोशन में इस जंप को क्रॉस कर लिया भाई। और मेरी S11 क्लासिक ने इसको भरपूर सपोर्ट भी किया। ऐसा एक एक करके हम सारे लोगों ने भाई फटाफट 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 जंप किया और भाई सब में बहुत मजा आ गया। लेकिन जब थार की जंप की बारी आई तो यहाँ पे कुछ अलग हो गया। जैसे थार ने जंप किया, उसने लैंड तो गलत जगह किया लेकिन इसको बेनिफिट मिल गया, वो साइड से भाई किसी तरह ओवरटेक किया और थार वाले भाई अब फाइनली लीड कर रहे थे और हम लोग हाइलक्स और स्कॉर्पियो भाई बस राह देखते रह गए। हम दोनों ही अब थार को पीछा करने के लिए भाई लड़ रहे थे और यहाँ से फॉर्च्यूनर और कैंपर वाले भी भाई पीछे आ रहे थे क्योंकि लगता है उनको जंप में थोड़ा डैमेज पड़ गया था। और फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे ये रेस और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी। अभी तो ऑफ रोडिंग से ज्यादा अब ये रेस बन चुकी थी। मैं किसी तरह कोशिश कर रहा था भाई हाइलक्स को पीछे करने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली वो हाइलक्स एक पिकअप ट्रक है तो यार उसको पीछे करना इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, क्या ही बताऊं। ऊपर से यार जो 4x4 है इसका स्कॉर्पियो क्लासिक का, हाइलक्स से थोड़ा सा कम है जिसकी वजह से मैं पीछे रह जा रहा था। थोड़ी देर बाद थार वाले भाई लीड ले लेते हैं लेकिन उनकी लीड जरा देर तक चलती नहीं क्योंकि सामने बहुत ही भयंकर रास्ता था जिसकी वजह से उनकी जो पूरी गाड़ी है 360 घूम जाती है और वही बंद हो जाती है। इसका फायदा उठाना चाहते थे हाइलक्स वाले भाई लेकिन वो असफल रहते हैं और भाई फिर से थार वाले सामने आ जाते हैं और फिर थार वाले भाई लीड ले देते हैं। मेरी गाड़ी थोड़ी फंस गई थी, मैं उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, इतने में भाई कैंपर वाले भाई को फॉर्च्यूनर वाले भाई फिर ठोक देते हैं और उनका भाई उनकी भी गाड़ी वहीं पे घूम जाती है और भाई फॉर्च्यूनर वाले भाई अब 4th नंबर पे चल रहे थे। थार वाले भाई को अच्छी खासी लीड मिल गई थी, मैं किस
की तरह जंप करते करते भाई अपनी क्लासिक को आगे बढ़ता जा रहा था। हाइलक्स तो भाई आराम से यहाँ पे ऑफरोडिंग किंग था भाई, लेकिन किसी तरह थार को अभी तक वो पीछे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भाई थार तो एक ट्रू ऑफरोडर है। तो यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के एक शॉर्टकट लेके और दो जंप्स करवा के मैं पहुंच जाता हूँ दोस्तों थार के पास। और भाई लगभग मैं इसको लीड में पीछे करने वाला था, लेकिन ये भाई भी भाई 4x4 का अच्छा फायदा उठा रहे थे, बिल्कुल आगे जाने ही नहीं दे रहे थे। और बस यहाँ पे अभी कांटे की रेस चल रही थी, कभी हाइलक्स आगे कभी थार आगे और कभी मैं तो भाई बहुत मुश्किल से आगे आ रहा। और तभी कीचड़ वाले रास्ते में कुछ ऐसा होता है कि मैच पलट जाता है अचानक से दोस्तों। यहाँ पे भाई हमारी थार पलट जाती है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीड कम नहीं करी थी। और मेरे लिए अच्छा मौका था भाई ये थार को फिर से पीछे करने का। मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी को फटक से आगे बढ़ा लेता हूँ, फाइनली मैं सेकंड पोजीशन पे लीड कर रहा था। फोर्थ पे तो फॉर्च्यूनर ही चल रही थी, पता नहीं उन्हें चलाना नहीं आ रहा था। और भाई कैंपर हमारा शायद खराब हो गया था और एक जगह अटक गया था। थार वाले भाई काफी ज्यादा बौखलाए हुए थे, क्योंकि भाई मैंने उनको पीछे कर दिया था, तो वो किसी भी तरह जंप्स करके मुझे पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। और मैं कोशिश कर रहा था कि किसी तरह भाई हाइलक्स को मैं पीछे कर दूं, लेकिन अफसोस भाई मैं कितना भी कोशिश कर लूं हाइलक्स के नजदीक पहुंचने से मेरी स्पीड अचानक से स्लो की हो रही थी, यही नहीं समझ में आ रहा था। और थार वाले भाई भी पीछे से पूरा जोर लगा रहे थे एड़ी चोटी का कि मेरे तक पहुंच सके। हाइलक्स थार और स्कॉर्पियो एसलन क्लासिक मेरी, इन तीनों के बीच में ऐसी बैटल चल रही थी जैसे को फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवी। हम लोग एक दूसरे को पीछे करने के लिए कोई भी हद तक जा सकते थे। और भाई मुझे एक फाइनल गोल्डन चांस मिल गया जहां पे भाई हाइलक्स ने थोड़ी से ब्रेक मारे और मुझे लगा कि मैं उसे आगे कर सकता हूं गियर लगा के, लेकिन भाई ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। भाई हाइलक्स सच में काफी ज्यादा पावरफुल था इन सब के मामले में, और यही वो स्पॉट है जहां मेरा पोपट हो गया। मैंने कुछ ज्यादा स्पीड बढ़ा दी और अनफॉर्चुनेटली गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होके भाई नई गाड़ी मेरी पलट गई। थैंक गॉड ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पोपट तो जरूर हो गया। और भाई अब क्या था, हाइलक्स जीत गया, सेकंड नंबर पे थार आई और भाई मैं आ गया थर्ड नंबर पे। इसको बोलते हैं दोस्तों टोटल पोपट। फोर्थ नंबर पे तो ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर आ गई भाई, उन्होंने तो बड़े संभाल के अपनी गाड़ी को लेके आए। और आखिरी में आ गए हमारे कैंपर वाले भाई, किसी तरीके से अच्छी खासी सबके गाड़ियां गंदे हो चुके थे, उससे भी पूरा मेरी गाड़ी में थोड़े बहुत नुकसान भी हुए थे क्योंकि मेरी गाड़ी पलट गई थी। और अब ये जो बंदा है ना, लगभग एक साल तक ये अपना पूरा सीना चौड़ के मुझे ताने मारते रहेगा कि मैंने तुमको अपने हाइलक्स से हराया हूं, हाइलक्स से हराया हूं, जो कि ये अभी भी कर ही रहा था। देखे बेटे टोयोटा 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 है टोयोटा, आज तो पोपट हो गया, पर अब कभी रीमैच लेके इसको हराएंगे दोस्तों। तब तक आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चला कोई पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे और वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।